अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैंने कुछ होम डेकोर शॉपिंग की है, तो उसका व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो मैंने सेकंड चीज़ परचेज की है वो ये है, ब्यूटीफुल सा लिपस्टिक ऑर्गेनाइज़र। ठीक है, मैंने खुद परचेज की है सारी चीज़ें। अगर आप लोग ये लेना चाहते हैं का ऑर्गेनाइज़र लिया, असल में लिपस्टिक है ना बहुत यहाँ वहाँ हो जाती हैं, तो मैंने सोचा कि ये ले लेते हैं, इसमें सब आराम से आ जाती हैं, इसे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ये मुझे मिल गया है अराउंड 300 का। अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं डेफिनेटली आप लोग मेरे पेज से परचेज़ करते हैं, मेरे पेज पे भी अवेलेबल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पता है मैं स्टॉक उठाती हूँ, तो मैंने वहाँ पे भी अपने पेज के लिए भी काफ़ी स्टॉक उठाया है, तो ये वहाँ पे भी है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक ये सेल्फी रिंग लाइट परचेज़ की थी। ठीक है, असल में बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम लोग घर में बड़ी रिंग लाइट नहीं ले जा सकते, क्योंकि मेरे पास बड़ी रिंग लाइट तो है जिसमें मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, पर बहुत सारी जगह ऐसी हो जाती है जहाँ पे मैं ले जा नहीं पाती, तो मैंने छोटी मिनी रिंग लाइट ली है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत रीज़नेबल रेट से हैं। आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं, जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ आप लोग ईज़िली मेरे पेज से परचेज़ कर सकते हैं। क्या आप देख सकते हो, रिंग लाइट बहुत अफोर्डेबल है एक तो। ठीक है, जस्ट 350 अराउंड आप लोगों को मिल जाएगी। इसकी आप लोग रोशनी भी चेक करें, बहुत आउट क्लास है। ठीक है, एक मैंने ये परचेज़ करी है, बाकी मैंने और भी काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ करी, मैं वो भी आपको शो कराती हूँ, एक साइड में रख देते हैं। इसके अलावा मैंने एक नेक फैन परचेज़ करा है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छा है। इसका फुल रिव्यू इंशाल्लाह हो सकता है इस वीडियो के पहले ही अपलोड हो जाए, इस वीडियो के बाद में अपलोड हो, तो इसका फुल रिव्यू सेपरेट अलग वीडियो बनाई है मैंने, वहाँ पे आप लोगों को इसका रिव्यू मैं दूंगी। ठीक है, बाकी मैं और चीज़ें दिखा देती हूँ। कुछ मैंने घर का स्टफ भी लिया है, क्योंकि मसले होते हैं घर के लिए भी, तो ये मैंने लिए सुपर स्ट्रेच सिलिकॉन की है ये। ठीक है, सिलिकॉन की कवर्स यहाँ पर आप देखो, 6 पैक इंक्लूड यहाँ पे सारे सेंटीमीटर लिखे हुए, कितने सेंटीमीटर के 6 साइज है इसके अंदर डिफरेंट, और लाइक दिस। यार आप लोग किसी भी बाउल वगैरह लेते हैं उसमें आप लोग सालन सब्जियाँ कुछ भी करके रखते हैं उसमें खुशबू आ जाती है, तो ये उसके लिए कवर्स हैं। ठीक है, उसके लिए सिलिकॉन के कवर्स बने हैं, अभी तक मैंने खोले भी नहीं, सिलिकॉन के बने हुए। इसमें आप लोग ईज़िली वो किसी भी बाउल पे इसको खींच के आप लोग लगाएंगे, ईज़िली लग देंगे, तो आप लोगों को मसले नहीं होंगे। ठीक है, तो मैंने ये पढ़ चुका है, ये आप लोगों को भी पेज से मिल जाएगा अराउंड 350 अराउंड। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक ये परचेज़ करा है, आइस जीनियस ग्रेट 4। ये भी बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था, और असल में ये मुझे लेना नहीं था, पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि मेरे पेज पे भी अपलोडेड था, बहुत सारे लोग मुझसे इसका पूछ रहे थे कि किस तरीके से कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, वर्क करता है नहीं करता। तो पहले मैंने कहा चलो मैं लेकर ट्राई करती हूँ कि वर्क करता है नहीं करता है, देन फिर ही सजेस्ट करूँ ना किसी को। तो ये मैंने परचेज़ करा, ये 500 अराउंड मिल जाएगा आप लोगों को, होल सब 120 आइस क्यूब इसमें आ जाती हैं ईज़िली। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका बॉक्स है, पहले मैंने सोचा इसका सेपरेट व्लॉग बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, फिर मैंने कहा चलो मैं एक ही में सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को ईज़िली समझ आ जाए। मैं इसको अनबॉक्स कर लेती हूँ। अब आप देखिए कुछ इस तरीके से, ये जो बेस बनी हुई है इस पूरी सिलिकॉन की है। ठीक है, ये प्लास्टिक है, और जो ये वाला है ना ये सिलिकॉन के, और अंदर जो है प्लास्टिक की इस तरीके की बर्नी रखी हुई है। ठीक है, आपको इसमें वाटर जो है ना इस तरीके से खोल के इधर वाटर ऐड करना होता है, ये जो पतली सी जगह बच रही है ना यहाँ से आप लोगों को इसमें वाटर ऐड करना होता है। वाटर ऐड करने के बाद इसको आप लोग फ्रिज में रखेंगे फ्रीज होने के लिए, बाद में आप ये निकाल के और सारी क्यूब देखिए ये आप निकालेंगे तो ये मुड़ भी जाता है ना, इसको सारी क्यूब जो है ना इधर बन जाएंगी, फिर इसको आप इस बर्नी में रख सकते हैं। तो बहुत अच्छा, मैंने इसको यूज़ करा, बहुत अच्छे से इसमें बर्फ आ गई थी। ठीक है, तो ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। बाकी मैंने और जो चीज़ें ली हैं मैं आप लोगों को वो भी शो कराती हूँ। मैंने एक डिश वॉश लिया है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आता है। ठीक है, आपको 350 रुपीज़ का मिल जाएगा ये, इस तरीके से आप यहाँ पर रख लेते हैं।
देखिए यहाँ पे आप लोग इस तरीके से इसको फिक्स कर लेते हैं। एंड ये स्पंज यहाँ पे नीचे लिक्विड भरते हैं, ऊपर स्पंज रखें, आप इसे यूँ प्रेस करेंगे ना, देखेंगे लाइक प्रेस करेंगे तो जितना भी आपके यहाँ से इसमें लग जाएगा, फिर आप लोग इजीली वॉश कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एक टूल लगा किचन के लिए, बहुत अच्छी किचन के लिए। यार इतनी वैरायटी आ गई है ना आजकल, समझ ही नहीं आता क्या ले क्या नहीं ले। तो इंशाल्लाह कोशिश ये होगी एक एक चीज़ ले के मैं ट्राई करूँ और आप लोगों को बताऊँ। अच्छा मैंने कुछ डेकोरेटिव पीसीस भी लिए हैं, जैसे कि मैंने ये क्लिप लाइट ली है डेकोर करने के लिए, इसको मैं लगा के देख रही थी इसका तार गुम हो गया तो मैंने रबड़ लगा दिया। बहुत अच्छी क्लिप लाइट डेकोर करने के लिए, तो ये मैंने एक चीज़ ली है। इसके अलावा मैंने कुछ इस टाइप के बर्थडे डेकोरेशन परचेज़ करे हैं, क्योंकि मेरी बर्थडे आने वाली है, उसके लिए मैंने काफ़ी सारी बर्थडे डेकोरेशन ली हैं। तो उसका एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊँगी, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। इसका एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह। इसके अलावा मैंने एक ही बहुत प्यारा सा बंच लिया है, मेरे पे एक वास पड़ा हुआ था, मैंने कहा ये इसमें लगा लूँगी तो ये मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं ले आई। ये मुझे मिल गया था लाइक 200 रुपीज़ का, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। बाकी ये है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी तो मैं सोची उसकी सेकेंड पार्ट बना लूँ। अगर इस वीडियो पर अच्छे लाइक्स आए कमेंट्स आए तो इंशाल्लाह सेकेंड पार्ट भी आप लोगों के साथ जल्दी लेकर आऊँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जितनी भी चीज़ें आप लोगों को मैंने दिखाई हैं उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी आप लोग जाके विज़िट करें एंड शॉपिंग करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।